नमस्कार। जल सरोकार मंच द्वारा पिछले पांच सालों से और लगातार हम उन विशिष्ट जनों को अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के सामने लाने की कोशिश भर करते रहे हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि इनसे मिली हैं। और उस श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारी विशिष्ट अतिथि कह सकते हैं इस मंच पर, लेकिन उसके आज के बाद ये कोई अतिथि नहीं, मंच के सदस्य हैं। तो आपका नाम है मोनिका जी गौड़ और राजस्थान में निवास करती है, बीकानेर से आप शिक्षाविद हैं और पिछले दो दशकों से लगातार रचनाकर्म से जुड़ी हैं। साथ में मुझे ये भी पता पड़ा है कि आपके लेखन पर, आपकी रचनाओं पर शोध कार्य भी हुआ है और आपने भी किया है अलग विषयों पर। तो शोध कार्य होना और विभिन्न जो तरीके हैं अभिव्यक्ति के, जहाँ तक वो समीक्षा है, अनुवाद है और मंचीय सहभागिता है, उस सब में मोनिका जी राजस्थान में एक अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो मैं आग्रह करता हूँ मेरे श्रोताओं से, सभी श्रोताओं से, कि वो समय निकाल के मोनिका जी को सुने और अपने कमेंट्स जो है, जैसा उनको लगता है वो बिल्कुल खुले मन से अपनी बात कहें, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आज मोनिका जी अपने बीच जो हैं वो अपने साथ उनकी हिंदी की रचनाओं के साथ वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके काव्य संग्रह भी हैं कई, और उसके बाद जो इनका नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो राजस्थानी भाषा को लेकर आएगा, उसके राजस्थानी कविताओं में भी आपकी सानी नहीं है, आपने पीएचडी भी की है। और जिसे कहना चाहिए कि अच्छी ज्ञाता हैं आप, जिसे भाषा पर पकड़ कहना चाहिए वो अच्छी है और अभिव्यक्ति सुंदर है। तो आदरणीय मोनिका जी, आपका स्वागत है, अभिवादन। और बस ये 20 मिनट आपके हैं, आपकी रचनाएं और हम सुन रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जन सरोकार मंच से रूबरू मिलने के बाद अभी वर्चुअली मिलने का अवसर मिल रहा है। और अपनी बात मैं जरूर से ये कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जन सरोकार मंच, विशेष रूप से सक्सेना जी का जो स्नेह है वो निरंतर है मेरे प्रति। और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, आपका मंच काम कर रहा है, विभिन्न विधाओं के लोगों को, शख्सियत जिनको हम कह सकते हैं, जो लोग कहीं हाशिए पे हैं उनको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास आप कर रहे हैं, और मैं तो ये भी कहूंगी जिस तरीके से आप नगीने छांट करके एक माला में पिरो रहे हैं वो बहुत सराहनीय और श्लाघनीय कार्य है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि कोरोना का समय बहुत विषम रहा हम सबके लिए, लेकिन इसने आपदा में एक अवसर भी प्रदान किया, हमें सिखाया कि तकनीक को हम अपना मित्र बना सकते हैं। तो आज उसी तकनीक को मित्र बनाने के जरिए हम लोग इस वर्चुअल मंच से आपस में जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए, और ये प्रेम आपका जो है ये मेरे लिए सबसे बड़ी खाती है जो बना रहना चाहिए। और अपनी बात कहूँ से पहले मैं जरूर से कहूंगी कि अशोक जी की जो कविताएं हैं, जब आप उनसे गुजरते हैं तो पता लगता है कि जीवन के कितने विविध रंग हैं और आप उन रंगों के साथ रंगते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके बराबर तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं मेरी कुछ रचनाएं, कुछ शब्द जो मेरे भाव, जो मन के हैं, वो आपको छू जाए जी। तो सबसे पहले मेरी एक रचना है छोटी सी, वो माँ को समर्पित है। तो मैं कोशिश किया है कि इसको मैं अलग तरीके से बता पाऊं। शीर्षक है, तभी माँ मीठी होती है। मीठा बोलते तो बचपन से सुना था, मीठा बोलते तो बचपन से सुना था, डांट में भी मिठास मिलती रही भरपूर, खोजती रही सारी उम्र मीठे का स्रोत,
खोजती रही सारी उम्र मीठे का स्रोत, क्यों माँ की तीखी निगाहों में भी प्रेम की ठंडक होती थी, क्यों माँ की निगाहों में तीखी निगाहों में भी प्रेम की ठंडक होती थी, क्यों उसकी आंख में झांकते ही दुख का सारा नमक खत्म हो जाता था। आज बिस्तर पर बीमार माँ की आंख में देखा, उसकी पुतलियों का रंग शहद जैसा है। आज बिस्तर पर बीमार माँ की आंख में देखा, उसकी पुतलियों का रंग शहद जैसा है। ओह, माँ की आंख में शहद की पुतलियां होती है, इसीलिए माँ मीठी होती है। माँ की आंख में शहद की पुतलियां होती है, तभी माँ मीठी होती है, तभी माँ मीठी होती है। और माँ को ये कविता समर्पित करने के बाद कुछ थोड़ा सा अलग कहने का प्रयास है, हालांकि इसको विमर्श के खांचों में लोग डाल देते हैं, स्त्री विमर्श, फलाना विमर्श। मुझे लगता है कि बात सिर्फ जीवन विमर्श की होनी चाहिए, पर ठीक है। कविता का शीर्षक है स्त्री का रेखा गणित। पुरुष तुम जान नहीं सकते, पुरुष तुम जान नहीं सकते मन की परिधि में धधकते भावों के भाव को, रिश्तों के कोणों त्रिज्याओं की चुभन से खुद को बचाती, जूझती खरोंचों को मुस्कान से छुपाती, बेलती है गोल रोटियां। पुरुष तुम जान नहीं सकते मन की परिधि में धधकते भावों के बहाव को, रिश्तों के कोणों त्रिज्याओं की चुभन से खुद को बचाती, जूझती खरोंचों को मुस्कान से छुपाती, बेलती है गोल रोटियां, पनीर के वर्गाकार टुकड़ों में तलाशती अपने अस्तित्व को, पनीर के वर्गाकार टुकड़ों में तलाशती अपने अस्तित्व को। तुम कैसे जानोगे स्त्री के मन को, तुम कैसे जानोगे स्त्री के मन को, नापते रहे हो देह का भूगोल आयत वर्ग शंकु के गणित से, नापते रहे हो देह का भूगोल आयत वर्ग शंकु के गणित से, नापते खींचते मर्यादाओं की रेखा, नापते खींचते मर्यादाओं की रेखा, बनाते भिन्न को अभाज्य, हृदय के केंद्र बिंदु तक कभी आए ही नहीं, हृदय के केंद्र बिंदु तक कभी आए ही नहीं, कभी मन के भिन्न को सरल करके देखो, शायद समझ पाओ तुम स्त्री को और स्त्री के रेखा गणित को, तब समझ पाओ शायद तुम स्त्री को और स्त्री के रेखा गणित को। जी, और एक कविता है मुझे बड़ी पसंद है, आजकल एक दौर चल रहा है लोगों के अंदर खासतौर से साहित्यिक, उसमें हम तुमको बना देंगे, किंग मेकर होने का भाव, तो उसी को लेकर कुछ भाव है। तो शीर्षक है सुनो चिड़िया। बहुत साधारण सी बात है, साधारण तरीके से मैंने अपने आसपास देख करके कुछ कहने का कोशिश किया, मेरे एक मित्र को मैंने सावधान करने का प्रयास किया था। सुनो चिड़िया हो जाओ तैयार फिर से जाल में फंसने के लिए, सुनो चिड़िया हो जाओ तैयार फिर से जाल में फंसने के लिए, हालांकि भांप लिए हैं तुमने बहेलिए के सारे पुराने पैंतरे, हालांकि भांप लिए हैं तुमने बहेलिए के सारे पुराने पैंतरे, पर भोली वो बाजीगर भी है, पर भोली वो बाजीगर भी है, जान गया है तुम्हारे भीतर की तलाश प्यास और आस को, जान गया है तुम्हारे भीतर की प्यास आस और तलाश को, अब नहीं बहलाएगा तुम्हें महंगी साड़ियों जेवर घर या सुंदरता के कसीदे काट कर, अब नहीं बहलाएगा वो तुम्हें महंगी साड़ियों जेवर घर और सुंदरता के कसीदे काट कर, उसने कूत ली है तुम्हारी उड़ान की छटपटाहट, उसने कूत ली है तुम्हारी उड़ान की छटपटाहट, और उसी व्योम में तुम्हें भटकाएगा, उसी व्योम में तुम्हें भटकाएगा, चिड़िया संभल कर रहना, चिड़िया संभल कर रहना, बहेलिया लाया है मिठास के कुछ दाने, तुम्हारी अभिव्यक्ति को मुखर करने के गीत सुहाने, बना लिए हैं तुम्हारी ही आजादी के ताने, और तुम्हारी पहचान दिलवाने के आभासी बाने, बहेलिया लाया है मिठास के कुछ दाने, तुम्हारी अभिव्यक्ति को मुखर करने की वाले गीत सुहाने, बना लिए हैं तुम्हारी ही आजादी के ताने, तुम्हारी पहचान दिलवाने के आभासी बाने, उसने बना लिए हैं नए सतरंगी जाल तुम्हारी ही मर्जी के, भर देगा सपनों में अवसाद के रंग थाली में चांद दिखला के, चिड़िया बहेलिया व्यापारी भी है, चिड़िया बहेलिया व्यापारी भी है, तुम्हारी भावनाएं झोंक कर बाजार के चूल्हे में सेकेगा अपनी ही रोटी,
चिड़िया सतर्क रहना, पिंजरा पिंजरा ही होता है, तुम्हारी तुम तक पहुंचने की तलाश देखकर मुस्कुरा रहा है। पिंजरा पिंजरा ही होता है, तुम्हारी तुम तक पहुंचने की तलाश देखकर मुस्कुरा रहा है, नए फंदे डालता हुआ मासूम बनकर चिड़िया तुम जरूर तौल लेना, अपने पंखों को उड़ान से पहले बहेलिए रूप बदल कर घूम रहे हैं, बहेलिए रूप बदल कर घूम रहे हैं। सुनो चिड़िया हो जाओ तैयार, सुनो चिड़िया हो जाओ तैयार जी। और एक कविता और है, कविता या भोगा हुआ सत्य भी आप इसको कह सकते हैं, झेला हुआ सत्य भी कहा जा सकता है। शीर्षक है प्रजातंत्र के पहरुए। प्रजातंत्र के पहरुए वो करते रहते हैं हर वर्ष राज दरबार के आलीशान जलसे में न्योते जाने की प्रतीक्षा। वो आपके सामने बहुत सारे चित्र आएंगे, बहुत सारे चेहरे आ जाएंगे इसको सुनकर। वो करते रहते हैं हर वर्ष राज दरबार के आलीशान जलसे में न्योते जाने की प्रतीक्षा। योजना बनाते, कपड़े तय करते, भाषण विचारते, योजना बनाते, कपड़े तय करते, भाषण विचारते कि दरबार की हाजिरी बजाएंगे, दरबार की हाजिरी बजाएंगे, मोटे कुचले हुए कपड़े पहनकर सर्वहारा की बात करेंगे, देशज गालियां निकालकर पिच से कर देंगे कुल्ला फर्श पर, दिखा देंगे दरबार को, दिखा देंगे दरबार को हमारी दमित चेतना, हम भयाक्रांत नहीं होते दरबारों की चकाचौंध से, पर जाना जरूर चाहते हैं दरबार में, पर जाना जरूर चाहते हैं दरबार में, अपने लिए नहीं रे आपका प्रतिनिधित्व करने, नजर में आने के सभी संभव प्रयासों के साथ, जब जब नहीं आता मखमली न्योता, तब तब उतने ही जोर शोर से लगाने लगते हैं नारा राज दरबार के विरोध का। जब जब नहीं आता मखमली न्योता, तब तब उतने ही जोर शोर से लगाने लगते हैं नारा राज दरबार के विरोध में, हर साल न बुलाए जाने की बरसियां मनाते हुए लामबंद होते हैं, हर साल न बुलाए जाने की बरसियां मनाते हुए लामबंद होते हैं, मुठियां तान कर खड़े हो जाते हैं जन की कथित चादर पहनकर, मगर देखते जरूर हैं राज दरबार में जाने के मखमली सपने, मगर देखते जरूर हैं राज दरबार में जाने के मखमली सपने। अच्छा। और इसी क्रम में एक रचना है, ये भी दोगले व्यवहार पर, मनुष्य का जो दोगला व्यवहार है, आप इसको स्त्री या पुरुष के खांचे में ना देखेंगे तो बात बहुत सीधी लगेगी, और अगर संकीर्ण करेंगे तो फिर हो सकता है कि मुझे गालियां पड़े कि मोनिका जो है हमेशा पुरुषों के विरुद्ध बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि पुरुष के या स्त्री के विरुद्ध नहीं है, ये उस मानसिकता के विरुद्ध है जो किसी एक को द्वयम समझता है। शीर्षक है मैं सिर्फ मैं हूं। मेरा बेबाक सच बोलना क्यों खटकता है तुम्हें, मेरा बेभाग सच बोलना क्यों खटकता है तुम्हें, क्यों चाहते हो कि हर पल हाँ में हाँ मिलाती रहूं, मत ढूंढो मेरे लिखे में अपने नजरिए का सत्य, मत ढूंढो मेरे लिखे में अपने नजरिए का सत्य, अपने शंकालु मन को मत अर्थाने दो वो सब जो मैंने कभी नहीं कहा, अपने शंकालु मन को मत अर्थाने दो वो सब जो मैंने कभी नहीं कहा, जो मैंने कभी नहीं लिखा, मैं सिर्फ मैं हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ इसके उसके किसी की तरह नहीं, मैं सिर्फ मैं हूँ इसके उसके किसी की तरह नहीं, अपने संदेह मत उछालो प्रश्नों की आड़ में, अपने संदेह मत उछालो प्रश्नों की आड़ में, शराफत के लबादे में लपेट कर इतना सा याद रहे, इतना सा याद रहे मेरे माथे की लकीरें नहीं बनी है दरवाजों चौखटों पर सिर झुकाने से, मेरे माथे पर लकीरें नहीं बनी है दरवाजों चौखटों पर सिर झुकाने से, तपती धूप में आंखों को खुला रखने की जिद में खींची मेरी मेहनत की निशानी है, तपती धूप में आंखों को खुला रखने की जिद में खींची मेरी मेहनत की निशानी है, और जिस दिन स्वीकार लोगे मुझे मेरी ही तरह सहज हो पाओगे और बढ़ पाओगे थोड़ा स्त्री होने की तरफ, बढ़ पाओगे थोड़ा स्त्री होने की तरफ, और वही तो मार्ग है मनुष्य होने का, वही तो मार्ग है मनुष्य होने का। जी, और जी मन के भाव की एक छोटी सी रचना और है, आप गोटियां या रिश्ते, छुट्टियों में बचपन को याद कीजिए कि छुट्टियों में चौपड़ पर रमते पासे, बंद मुट्ठी में खनकते हुए अपनी पसंद का फलक आ जाने की कामना में खेलते खेलते जीतने का जुनून,
खेलते खेलते जीतने का जुनून गोटियां पीटते हुए धकेलने लगते हैं खेल भाव को पीछे आगे बढ़ने के जोश में। गोटियां पीटते हुए धकेलने लगते हैं खेल भाव को पीछे आगे बढ़ने के जोश में और उठाकर पटकने लगते हैं मारी हुई गोटियां झूठी सद्भावी मुस्कानों के साथ हाशिए पर, झूठी सद्भावी मुस्कानों के साथ और हाशिए पर पड़ी हांफती पीटी हुई गोटियां पूछ रही हो जैसे कि हार कौन रहा है गोटियां या रिश्ते, हार कौन रहा है गोटियां या रिश्ते। एक बड़ी क्रूर सी कविता है, मैं इस बात के लिए कुख्यात भी हूँ कि आप प्रेम कम लिखती हैं, सॉफ्ट कम लिखती हैं, पर क्या करूँ, जो जो भाव मन को विचलित करते हैं वही लिखने का कोशिश करती हूँ। शीर्षक है राजमार्ग की भीड़ें। होशियार रहना सक्सेना जी आपको जरूर पसंद आएगी ये कविता मेरी। होशियार रहना, सरकारें व सत्ता रूप बदल कर आएंगे तुम्हें लुभाने के लिए लेकर कुछ अनुदानों के टुकड़े कुछ चुपड़ी योजनाएं। होशियार रहना, सरकारें व सत्ता रूप बदल कर आएंगे तुम्हें लुभाने के लिए लेकर कुछ अनुदानों के टुकड़े कुछ चुपड़ी योजनाएं। सब तुम्हारे ही खून पसीने का प्रतिदान होगा जो तुम्हारी झोली में डाला जाएगा। सब तुम्हारे ही खून पसीने का प्रतिदान होगा जो तुम्हारी झोली में डाला जाएगा। तुम्हारी आंखों पर लगाकर धर्म जाति का हरा चश्मा, तुम्हारी आंखों पर लगाकर धर्म जाति का हरा चश्मा। लड़वाएंगे तुम्हें तुम्हारे ही भाइयों से मुर्गों की तरह, लड़वाएंगे तुम्हें तुम्हारे ही भाइयों से मुर्गों की तरह। तुम मत बन जाना भीड़ वाली भेड़े, तुम मत बन जाना भीड़ वाली भेड़े। कितना ही प्रेम दर्शाए गडरिया, आखिर में मूंढना ही एकमात्र ध्येय होता है उसका। कितना ही प्रेम दर्शाए गडरिया, एकमात्र मूंढना ही ध्येय होता है उसका। मेरे साथी पांव जमाए रखना इन ढलानों पर, मेरे साथी पांव जमाए रखना इन ढलानों पर, जलाए रखना अक्षरों की आंच चेतना में, क्योंकि कुर्सियों को सिर्फ पसंद है भेड़े। भेड़े सवाल नहीं करती, भेड़े सवाल नहीं करती, भेड़े एक आवाज में बें बें करती, गर्दन झुकाकर डंडे के इशारे पर हांकी जाती है मनचाही पगडंडियों पर। भेड़ों के हिस्से में नहीं होते राजमार्ग, भेड़ों के हिस्से में नहीं होते राजमार्ग। साथी तैयार रहना, साथी होशियार रहना। और एक दो रचनाएं और हैं, थोड़ी सी खुरदरी रचनाएं हैं फिर से। शीर्षक है रिश्ते रेशम खादी। रिश्ते रेशम थे महीन मुलायम चरखी पर सलीके से लिपटे, रिश्ते रेशम थे महीन मुलायम चरखी पर सलीके से लिपटे। खुशी देते रंग भरते टूटती चरखियों ने तोड़ दिया भ्रम, टूटती चरखियों ने तोड़ दिया भ्रम। उलझ गए तंतु पड़ गई घुड़गांठें, उलझ गए तंतु पड़ गई घुड़गांठें। फिसल फिसल जाते हैं छोर हर बार केंद्र बिंदु और तंतु की तलाश में व्यर्थ हो रही ऊर्जा, हर बार केंद्र बिंदु और तंतु की तलाश में व्यर्थ हो रही ऊर्जा। गांठ के स्थान पर उधड़ते रेशा दर रेशा रिश्ते, गांठ के स्थान पर उधड़ते रेशा दर रेशा रिश्ते। खादी होते तो रिश्ते, खादी होते तो शायद ज्यादा स्थायी और सुलझे रहते, रिश्ते खादी होते तो शायद स्थायी और सुलझे रहते। कम से कम नजर तो आ जाती गांठे, कम से कम नजर तो आ जाती गांठे, मगर रिश्ते तो रेशम थे उलझ गए गुच्छम गुच्छा, मगर रिश्ते तो रेशम थे उलझ गए गुच्छम गुच्छा। और मेरा सौभाग्य आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, अपनी वो बातें आप सबको कहने का अवसर दिया जो शायद किताब में कहीं दबी रह जाती और इस पलक के माध्यम से लोग उसको सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।